ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिललाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ला लह व मन युदलिल फला हादिया लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں آپ فوت بھی ہوئے اس مہینے میں مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے انداز سے اپنی طرف سے وہ محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہماری محبتوں کو بنیاد بنا کر ایسے راستے پر ہمیں لے جاتا ہے محبت محبت میں پیار پیار میں ایسے کام ہم سے کرواتا ہے ایسے راستے پر لے جاتا ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے ہم حقائق کی طرف دیکھتے ہی نہیں حقائق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے بس دو تین کام کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی محبت کا ثبوت دے دیا ہے ہم سے بڑا محبت والا کوئی نہیں محترم بھائیو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اس سوچ میں گزارنا چاہیے
कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने तो मुझे वो नबी दिया जो सारी दुनिया में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बरतर और सबसे ज़्यादा अज़मत व शान वाला है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा फ़र्ज किया अपना नबी देकर। मैं ये सोचूं कि मैंने उस नबी के साथ क्या सलूक किया है, उस नबी को किस अंदाज से कबूल किया है, मेरा रवैया, मेरा किरदार उस अदीब पैगंबर के हवाले से कैसा है। ये थी असल हकीकी सोच। मेरा नबी आया इस महीने में, 63 बरस दुनिया में रहे, जिनमें 23 साल का वक्त आपने बहसियत नबी बहसियत रसूल गुजारा। इस 23 साल दौर में मैं ये सोचूं कि मेरे नबी ने मुझे क्या दिया है, और फिर मेरा नबी वो देकर चला गया, क्या देकर मुझे गए हैं। अगर हम इस हवाले से सोचें तो हमारे हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में हमें इस अंदाज से सोचने की तरफ तवज्जो दिलाई है। पहली आयत जो मैंने पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, इसमें अल्लाह अहकमुल हाकिमीन समझा रहे हैं वो दुनिया वालों, सिर्फ तुम्हारे ऊपर रहमत करने के लिए, तुम्हारे ऊपर रहमत करने के लिए मैंने अपना रसूल भेजा है। कैसी सोच थी अल्लाह ने हमें, कितना बड़ा सबक है इस आयत में। दुनिया के लोगों, तुम्हारे ऊपर रहमत करने के लिए कि तुम रहमतों के हकदार बन जाओ। फिर अल्लाह ताला ने इसके साथ वो वक़्त, वो दौर जिस दौर में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, उस वक्त का, उस दौर का तज़किरा किया। मैं ज़रा याद तो करो, मेरे नबी पर ईमान लाने वालों, इन बुनियादों पर सोचो। वइन कानू मिन क़ब्लो लफ़ी ज़लालिम मुबीन, वो वक़्त वो था जब सारी दुनिया गुमराही में पड़ी हुई थी, जहालतों में डूबी हुई थी, हर तरफ कुफर था, शिरक था। कुंतुम आला शफा हुफ्रति मिनन नार, जहन्नम के किनारे पर खड़ी थी इंसानियत, इधर मौत आती उधर जहन्नम में जा गिरते। दुनिया पर हुकूमतें काफरों की, मुशरकों की, रोम दुनिया की सुपर पावर थी, वो ईसा अलैहिस्सलाम को कभी अल्लाह का बेटा कहते थे, कभी कहते जो अर्श पर अल्लाह था, वही जमीन पर ईसा बन के उतर आया, कभी कहते अल्लाह का एक हिस्सा है। ईरानी थे, दुनिया की दूसरी सुपर पावर, वो आग की पूजा करते थे, मजूसी थे, दुनिया के अंदर कारोबार करने वाले, दौलतें कमाने वाले, माशी कुव्वत, लोगों को, कबीलों को कर्जे देने वाले यहूदी, वो भी अल्लाह के साथ शिरक करने वाले थे। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते, बैतुल्लाह के रखवाले, बैतुल्लाह के रखवाले,
जिस बैतुल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे इस्माईल ने दूसरी दफ़ा तामीर किया था, वो बुत तोड़ने वाले थे, लेकिन उस दौर में बैतुल्लाह के रखवाले जो थे उन्होंने बैतुल्लाह में और उसके इर्द गिर्द 360 बुत नसब किए हुए थे। पूरी दुनिया पर जहालतें, गुमराहियाँ, कुफर, शिरक, कुफर की हुकूमतें, शिरक के निज़ाम, इंसानियत को इब्लीस ने अपने पंजे में जकड़ रखा था। उस वक्त अल्लाह ताला को रहमत आई हमारे ऊपर, इन इंसानों पर, कि मेरे ये सारे बंदे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, गुलामियों में जकड़े हुए हैं, कुफर की गुलामियों में पड़े हुए हैं, शिरक और जहालत की गहराइयों में डूबे हुए हैं, जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। ये हालात थे, इन हालात में अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रहमत करने के लिए, तुम्हारे ऊपर रहमत करने के लिए, रहमत क्या है? तुम्हें जहालतों से निकालना, तुम्हें गुमराहियों से निकालना, तुम्हें गुलामियों से निकालना, तुम्हें कुफर और शिरक के निज़ामों से निकालना, तुम्हें हिदायत देना, तुम्हें रहनुमाई देना, तुम्हें जन्नत का रास्ता बताना, ये थी रहमत, तुम्हारे ऊपर रहमत करने के लिए। फरमाया मैंने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बात समझ आइए? रबीउल अव्वल में कभी तन्हाई में बैठ के ना ये सोचो, चौधरी साहब भी सोचें, शेख साहब भी सोचें, फर्ज करें कि मैं गुमराह था, गुमराह हूँ, जहालतों में डूबा हुआ हूँ, दुनिया में कहीं हिदायत मुझे नज़र नहीं आती, मेरे ऊपर अल्लाह ने रहमत की, मेरे ऊपर अल्लाह ने रहमत की, मैं गुनाहगार, जहालतों में डूबा हुआ, रस्म और रिवाजों का मारा हुआ, मेरे ऊपर मेरे रब ने रहमत करने के लिए वो पैगंबर भेजा जो सारी कायनात में सबसे आला और सबसे अफसर पैगंबर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी तन्हाई में बैठ के सोचो तो सही कि मैं किस कदर गंदा और जाहिल था, मेरे ऊपर मेरे रब ने कितना बड़ा फजल और एहसान का इरादा किया कि मुझे जहालतों गुमराहियों से निकालने के लिए अपना आखिरी पैगंबर भेजा है। फिर सही सोच आएगी कि मुझे पैगंबर को किस तरह कबूल करना है, किस तरह अपने रब का शुक्र अदा करना है, किस तरह अपने नबी के साथ सलूक करना है। हम तो रहे एक दूसरे को गालियां देते, तुम वहाबी इस तरह के हो, तुम बरेलवी इस तरह के हो, यही फिरका परस्ती है ना हमारी। कोई ऐसा वक्त जिस वक्त में हमने सोचना था, हमने गौर करना था, अपनी इसलाह करना थी, अपने ईमान को ठीक करना था, ऐसे अवकात में शैतान हमें इस सोच से दूर करके आपस में दस्तोगिरेबान करता है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालो, गालियां निकालो, शोर शराबा करो, हाओ हू करो, बस ठीक है। हमने अपने नबी की पैदाइश को सिर्फ एक बर्थडे की हद तक समझा है, अपनी गलियों में मक्के की तस्वीरें बना लो, पहाड़ियां बना लो, घर बना लो, ये कमरा है, ये हमारे नबी का घर है, यहां आप पैदा हुए, गली के अंदर वो बना के सुबह को बना दिया और शाम को उसको ढा दिया। अल्लाह हमारा रब हमें समझा रहा है, मेरे बंदे इस बुनियाद पर सोच कि तू गुमराह था, जहालत गुमराही में डूबा हुआ था, जहन्नम के किनारे पर खड़ा था, मैंने तेरे ऊपर रहमत करने के लिए अपना रसूल तुझे दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने तुम्हें गुमराही से निकालना है, जहालतों से निकालना है, कुफर शिरक से निकालना है और हिदायत को, हिदायत के ऊपर तुझे खड़ा करना है। आज़म ये करो, इरादा ये बनाओ, सोच ये पैदा करो कि मैंने अपने रब के फैसले को कबूल किया,
और अपने नबी से मैंने हिदायत लेकर सीख कर समझ कर पढ़ कर इंशाअल्लाह अपने आप को गुमराहियों जहालतों से निकालना है और हिदायत के नूर से मुनव्वर करना है। यह है मोहब्बत, यह है सही मनहज, और इसका आगे अल्लाह ने पूरा रोड मैप बयान किया है हमें समझाने के लिए। फरमाया हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीन, ये सूरत जुमा है। लोगों इस हकीकत पर गौर करो, अल्लाह ने अपना नबी भेजा अल उम्मीयीन उस वक्त जब लोग अनपढ़ थे, लोग जाहिल थे। यतलू अलैहिम आयातिही, पहला काम नबी का यतलू अलैहिम आयातिही, नबी ने आयतें पढ़ पढ़ के अल्लाह की किताब पढ़ पढ़ के लोगों को गुमराहियों से निकाला और हिदायत का रास्ता बताया। क्या करके? अकीदा बनाओ। हिदायत वह है जो आसमान से नाज़िल हुई है। अकीदा बनाओ, छोड़ दो अपने फिरके, इन फिरकों ने हमें बहुत नुकसान दिया है। अपने नबी के मनहज को समझो, सीरत को समझो। यतलू अलैहिम, नबी आयतें पढ़ पढ़ के, कुरान पढ़ पढ़ के, नबी ने कौल अकवाल बयान नहीं किए। उस वक्त लोग कौल अकवाल बयान करते थे, अरब के जो मुशरिकीन थे ना, वो भी हमारे बड़ों ने ये बताया है, हमारे बड़ों का ये तरीका है। बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाना, जब उनसे कहा जाता जो अल्लाह ने दीन उतारा है वो मानो, कहते नहीं हम अपने आबाओजदाद के पीछे चलेंगे। ईसाई भी अपने बुजुर्गों के कौल अकवाल बयान करते थे, यहूदी भी अपने बड़ों के कौल अकवाल बयान करते थे। इत्तखदु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अपने उलमा को, अपने बुज़ुर्गों को रब बनाया हुआ था। बुज़ुर्गों ने ये फरमाया, बुज़ुर्गों का कौल ये है, बुज़ुर्गों को ख्वाब ही आया था। लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुज़ुर्गों के कौल बयान नहीं किए, हालांकि आपके बुज़ुर्ग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद पूरी दुनिया में अखलाकी लिहाज से, सलाहियतों के लिहाज से, ख़ानदानी लिहाज से सबसे आला और सबसे अफजल थे। ईसाई और यहूदी तो दीन फरोश थे, नबियों के कातिल थे, अल्लाह की शरीयतों को बदलने वाले थे। हमारे नबी के बड़े, हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ने जब मुझे भेजना था ना तो पूरी दुनिया को देखा, अरब को भी देखा, अजम को भी देखा, तो सारी दुनिया से अल्लाह ने अरबों को पसंद किया। अरब दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग हैं सलाहियतों के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, आज भी अरब सबसे बेहतर हैं। एक मोटी निशानी दलील ये है कि पूरी दुनिया में मस्जिदें बनाते हैं, मदारस बनाते हैं, किसने बनाए हैं? अरबों ने बनाए हैं ना। यह मस्जिद कितना बनाई, ये मस्जिद किसने बनाई? ये इतनी बनी। अक्सर हमारे चौधरी मालदार जिमीदार मस्जिद बनानी हो, वो कागज दो जी बना जाना आके। पूरी दुनिया में मस्जिदें बनाते हैं अरब, सऊदी अरब के लोग मदारस बनाते हैं, कुरान मजीद के सारी दुनिया की ज़बानों के अंदर तर्जमे कर कर के कुरान मजीद के छाप छाप के दुनिया के अंदर मुफ्त तकसीम किए हैं। गैर मुस्लिम मुल्कों में इस्लामिक सेंटर्स के नाम पर आज भी सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियाँ मुफ्त तालीम देती हैं। आप दाखिला लें, अपने बेटे को दाखिला दिलवाएं, नेट पर खोलें जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा, मदीना यूनिवर्सिटी का पेज खोलो, उसमें पूरा आपको मिलेगा। ये फलां सनद है तो आ जाओ दाखिला दो, जिसकी मंजूरी हो जाए वो टिकट बेचते हैं, वहाँ रहने का खर्चा देते हैं, वजीफ़ा देते हैं, रिहाइश देते हैं। अगर कोई शादीशुदा हो तो कहते हैं बीवी ले आओ, उसका खर्चा भी देंगे।
फिर जब छुट्टी हो, घर आना जाना हो, फिर भी टिकट देते हैं। फिर जब फारिग होने के बाद वो कहते हैं, दुनिया में जिस मुल्क के अंदर आप काम करना चाहें, इस्लाम की दावत देना चाहें, आप अपनी मर्जी से मुल्क मुंतखब करें, सारा खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। आज भी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लाम की खिदमत करने वाले अरब। बाकी कौन सा मुल्क है जो मस्जिदें बनाता है? पाकिस्तान ने कितनी मस्जिदें बनाई हैं? एक मस्जिद है ना फैसल इस्लामाबाद की, वो भी सऊदी ने बनाई है। बादशाह मस्जिद लाहौर में वो मौलिया खानदान ने बनाई है। पाकिस्तान ने क्या बनाया है? आज भी सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम की खिदमत करने वाले, कुरान की खिदमत करने वाले, हदीस को दुनिया में फैलाने वाले, उम्मत मुस्लिमा का मदद और तावन करने वाले अरब हैं। मैं अल्लाह ने अरबों को चुना, फिर अरबों में से अल्लाह ने बनू इस्माइल को चुना, बनू इस्माइल के कबाइल में से अल्लाह ने बनू किनाना को चुना, बनू किनाना के ख़ानदानों से कुरैश को चुना, कुरैश के घरानों से बनू हाशिम को चुना, और बनू हाशिम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया। सारी दुनिया में सबसे आला, इसके बावजूद आपने कभी अपने आबाओ अजदाद के कौल अक़वाल का जिक्र, हमेशा कुरान पढ़ा है। यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान पढ़ पढ़ के लोगों को गुमराहियों से निकाला है, लोगों को हिदायत की तरफ दावत दी है। हमारे लिए दावत है, हम देवबंदी वहाबी बरेलवी सुन्नी शिया बने हुए हैं। अगर हम अपने नबी से प्यार है तो ये फिरके छोड़ें, अकीदा ये बनाएं कि हिदायत वो है जो अल्लाह ने आसमान से उतारी, उसको पढ़ें, उससे रहनुमाई लेकर अपने आप को जहालतों से निकालें, गुमराहियों से निकालें, हिदायत की तरफ अपने आप को लाएं। पहले कदम पर अगर हम अपने नबी की सीरत को समझना शुरू कर दें, पहले नंबर पर ये सारे फिरके ख़त्म हो जाएं, सारे इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएं, उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह की शागिर्द बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लोगों मैं तुम्हारे लिए एक बाप जैसा हूँ, जिस तरह बाप अपनी औलाद की तरबियत करता है मैं भी तुम्हारी तरबियत करता हूँ। लेकिन हमने कभी ये ध्यान ही नहीं बनाया कि हम अपने नबी से तरबियत लें, नबी से सीखें, नबी के शागिर्द बने, नबी से पढ़ें, नबी से रहनुमाई लें। हमें सवाले से सोचना है रबीउल अव्वल में बैठकर कि मैं नबी से कितना पढ़ता हूँ। मेरे घर में चार बेटे हैं, चार बेटियां हैं, दो माँ बाप है, दस अफराद का घराना है। इस दस अफराद पर गौर करो, अंग्रेजी सीखने वाले समझने वाले हैं, रियाजी जानने वाले हैं, कंप्यूटर जानने वाले हैं, फन हुनर जानने वाले हैं, कुरान जानने वाले कितने हैं, हदीस पढ़ने वाले कितने हैं। जो नबी मुझे दे कर गया है, मुझे उसकी अलिफ बा का नहीं पता, क्या ताल्लुक है मेरा नबी के साथ, किस चीज़ का मैं चौधरी बना हुआ हूँ, किस चीज़ पर मैं फख्र करता हूँ, किस बुनियाद पर मोहब्बतों अकीदतों के दावे करता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मेरा नबी क्या लेके आया, क्या दे के गया, क्या समझाता रहा, क्या पढ़ाता रहा। मैं तो उसी गुमराही बुजुर्गों के पीछे, बरादरियों के पीछे, रस्मों और रिवाजों के पीछे, फिरकों के पीछे पड़ा हुआ हूँ जिससे निकालने के लिए मेरा नबी आया था। तो पहले कदम पर यतलू अलैहिम आयातिही, नबी ने कुरान पढ़ पढ़ के लोगों को गुमराही से निकाला है। हमने यह अकीदा बनाना है कि अगर हमने गुमराहियों से अपने आप को बचाना है, हिदायत की तरफ आना है, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो क्या है कि जो आसमान से हिदायत नाज़िल हुई है ना, अल्लाह का कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वो मेरे लिए हिदायत है, मैंने उसको पढ़ना है, उसको समझना है। दूसरे नंबर पर वायुज़क्कीहिम, नबी ने लोगों को पाकीदा बनाया, पाक बात बनाया है, पाकीदा बनाया इंसानों को। इंसान गंदे थे, ये कपड़ों की गंदगी मुराद नहीं, अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक गंदे होते हैं, पलीद होते हैं,
इस दुनिया में सबसे प्लीत गंदे मुशरिक हिंदू हैं, सबसे गलीज किस्म के मुशरिक आज की दुनिया में हिंदू हैं। 33 करोड़ माबूद थे इनके आज से 1450 साल पहले, अब तो बड़ी तरक्की कर ली होगी उन्होंने। चूहे की पूजा, सांप की पूजा, गाय की पूजा, बंदर को रब समझते हैं। अब सारे लोग जमा हो जाए ना, बेशक ये डिवीजन सारा जमा कर लें, लिखना शुरू कर दें, गिनना शुरू कर दें, जितने जानवरों के नाम आते हैं, जितने कीड़े मकोड़ों के नाम आते हैं, देखना शुरू कर दें। 1 करोड़ आप नहीं लिख सकते। वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वो पूजा करते हैं? इतने गंदे और नजस चूहे की पूजा करने वाले, पेशाब करने वाली जगह की पूजा करने वाले, यह है अकीदे की गंदगी, सोच की गंदगी, विजन की गंदगी। मायो जकी हिम, हमारे नबी का दूसरा काम जो अल्लाह ने बयान किया ना, वो लोगों को पाक करना है। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पाक किया है, पाकीज़ा बनाया है। किस तरह? अब ये जो हिंदू है ना मुशरिक, अल्लाह कहता है मुशरिक पलीद होते हैं, गंदे होते हैं, तो सूट तो वो भी बड़े पहनते हैं, परफ्यूम तो वो भी बहुत लगाते हैं। ये सारी सफाई नहीं, दिल की सफाई, अकीदे की सफाई, अंदर की सफाई, रूहानी सफाई मुराद है। और ये सफाई 3 तरीकों से होती है, ये तज़किया और पाकीज़गी 3 चीज़ों से होती है। पहली चीज़ है अकीदे की सफाई। हमारे नबी ने अकीदे दुरुस्त किए हैं, सोच विजन दुरुस्त किया है, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना है, रसूलों के बारे में क्या अकीदा रखना है, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, आसमान से आने वाली किताबों के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, इस दुनिया के बाद आखिरत क्यामत आनी है, क्यामत के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए। अल्लाह का इलम, हमारा रब जानता है कुछ के नहीं, अल्लाह का इलम जिसे तकदीर कहते हैं, तकदीर के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए। 6 चीज़ें हैं ईमान का उमूर, ईमान के उमूर अकीदे की 6। नबी ने अकीदे ठीक किए, लोगों की सोच ठीक की है। मक्का के लोग क्या अकीदा था उनका भला अल्लाह के बारे में? अल्लाह के बारे में मक्का के लोगों का अबू जहल अबू लहब का अकीदा था कि अल्लाह सुनता ही नहीं, कहते एक अल्लाह है, इतनी बड़ी दुनिया है, अल्लाह किस किस की सुने, अल्लाह से सुना ही नहीं जाता सबको, ना वो सबको सुनता है, ना सबको देखता है, ना सबकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, बेचारा अल्लाह है, बेचारा माज़ अल्लाह। फिर उन्हें अकीदा बनाया हुआ था कि अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए ये लात मनात उज्जा हुबल जिन के बुत बनाए हुए थे ना, कहते बड़े बड़े नेक बुजुर्ग थे, अल्लाह ने इनको चुना, इनको दुनिया के हिस्से करके मुख्तलिफ शोबे करके इनको ज़िम्मेदार बनाए इख्तियार देकर, अब ये काम करते हैं, दुनिया का निज़ाम चलाते हैं, मखलूकात के मामलात को देखते हैं, इनकी मदद से अल्लाह दुनिया का निज़ाम चलाता है, ये ना हो तो दुनिया का निज़ाम अल्लाह से चलता ही नहीं। इसलिए कहते हैं हम अगर अल्लाह को पुकारे तो उसको पता ही नहीं चलना, हम लात को पुकारते हैं, मनात के पास जाते हैं, उज़्ज़ा के पास जाते हैं, बुज़ुर्गों को राज़ी करते हैं, ये फिर अल्लाह को रिपोर्ट देते हैं कि ये बंदा ठीक है, अल्लाह फिर कहता है ओके माफ़। ये अल्लाह के बारे में अकीदा था उनका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि तुमने अल्लाह को क्या समझा है, अल्लाह कमज़ोर है, अल्लाह बेबस है, अल्लाह मोहताज है। ज़ालिमों सोचो तो सही, ये ज़मीन तुम देखते हो, कहते हो अल्लाह ने पैदा की है, आसमान अल्लाह ने पैदा किए मानते हो, कभी गौर तो करो, ये इतनी बड़ी ज़मीन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उगाने वाली, फल अनाज गल्ला जात सब्जियाँ, मुख्तलिफ जायके मुख्तलिफ रंग, ये इतनी बड़ी बेहतरीन चीज़ें उगाने वाली ज़मीन, इसके अंदर ये जो सारी ताकतें कुवतें रखी हैं अल्लाह ने, क्या इलम के बगैर, ताकत कुवत के बगैर उसने ये बना दिया है? आसमान को देखो, सूरज चांद का निज़ाम देखो, बारिशों का निज़ाम देखो, इनमें गौर करो,
तुम्हें समझ आए कि इनको बनाने वाला रब कमज़ोर नहीं, बड़ी ताकतों कुवतों वाला है, और जिनको तुमने ताकतें दे दी वो तो मर चुके हैं। लात मनात इंसान ही थे ना, नेक लोग थे, वो अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सके, अपनी जवानी नहीं बचा सके, फौत हो गए, मनोमटी के नीचे तुमने दफन कर दिया। इन मुर्दों के बारे में तुम्हारी सोच ये है कि ये सबको सुनते हैं, सबको देखते हैं, और जिंदा अल्लाह के बारे में तुम्हारी सोच यह है कि वो सुन नहीं सकता। छोड़ दो इन बातों को, अल्लाह मोहताज नहीं, अल्लाह बेबस नहीं, किसी का मोहताज नहीं, वो अकेला अल्लाह सारी दुनिया का निज़ाम चलाता है, ये दुनिया उसकी मोहताज है। अकीदे ठीक किए, इसमें हमारी नसीहत है लोगों, अपने अकीदे ठीक करो अपने नबी से पढ़ के, फिर तुम्हारा नबी से ताल्लुक़ ठीक होगा, नबी से मोहब्बत और अकीदत बनेगी। अकीदे दुरुस्त करो, नियम ठीक करो, अपने नबी से पढ़ो। दूसरे नंबर पर आमाल ठीक किए, अमल। उस वक्त लोग अमल करते थे ना, उनकी सोच होती थी अमल करें, लोग देखें, बरादरी देखे, फलाह देखे, याद करे। आज हमारे अंदर भी ये बीमारी है, हम भी अमल करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लोग याद करें। शादी करनी है जी, बरादरी याद करे कि शादी खाई थी। बच्चा पैदा होता है ना, हमसे लोग मसला पूछते हैं, कोई नाम बताओ, सवाल करते हैं नाम बताओ, कहते हैं ऐसा नाम बताओ जो किसी ने ना रखा हो। अजीब सोच है हमारी, औरतों का ये मसला है, ऐसे कपड़े पहनने किसी ने ना पहने हो, ऐसी जूती लेनी है जो किसी ने ना ली हो। हमारी सोच भी लोगों को दिखाने के लिए और बल्ले बल्ले करवाने की है। यही सोच दबाना जाहिलियत में थी, लोग अमल करते थे लोगों को दिखाने के लिए, बरादरी देखे, दोस्त देखें, दुश्मन देखें, अपने देखें, बेगाने देखें, बस सोच ये थी दुनिया देखे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि ये ना सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, ये ज़हन बनाओ कि जिस रब ने हमें पैदा किया है, ज़िंदगी दी है, जवानी दी है, वो रब देखे कि मेरा बंदा मेरा फरमान होता है। अमल वो करो जो तुम्हारे रब को पसंद है, जो तुम्हारे रब को खुश करें, ये हैं आमाले सालिहा। नबी ने अमल दुरुस्त किए, वो अमल करो, वो काम करो जिस पर तुम्हारा पैदा करने वाला खुश होता है। इससे हमें यह सबक लेना है कि हमने भी वो अमल करने हैं जिससे हमारा हिजामतें करवानी ही करवानी है ना, लिबास पहनने ही पहनने हैं, कारोबार करने ही करने हैं, शादी गमी के मामला मोटे ही हो रहे हैं, हमारी ज़रूरतें ज़िंदगी की, लेकिन ये सारे काम उस अंदाज से करें, इस तरह करें कि हमारा रब खुश हो। नबी ने समझाया ज़हन ये बनाओ कि हजामत बनाऊंगा कि रब खुश हो। कौन से बाल काटने हैं, कौन से नहीं काटने, लिबास पहनने कि अल्लाह खुश हो, मर्दों ने कैसा पहनना, औरतों का कैसा होना चाहिए, कारोबार वो करना कि अल्लाह राजी हो, कौन सा हलाल है कौन सा हराम है, खाना उस तरीके से है, पीना इस तरीके से है कि अल्लाह खुश हो। आज हमारे अंदर भी बहुत बिगाड़ है, हमारे खाना पीना रहन सहन हजामत लिबास ईसाइयों जैसे, यहूदियों जैसे, हिंदुओं जैसे, रस्में रवाज है ना, हमारे अंदर खराबियाँ हैं। अगर अपने नबी से ताल्लुक कायम करना है तो नबी से पूछो, मैं हजामत कैसी बनवाऊँ, मैं लिबास कैसा पहनूँ, मैं कारोबार कौन सा करूँ, मैं किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी के ये मामला करूँ। नबी तुम्हें समझाए कि वो काम करने हैं जैसे पैदा करने वाला खुश होता है। ये नबी ने अमल की इसलाह की है। तीसरे नंबर पर अखलाक ठीक करो, अपने अखलाक ठीक करो। अखलाक याद संवारे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कैसे अखलाक में अल्लाह के नबी ने हक बयान किए हैं, तुम्हारे माँ बाप के हुकूक ये हैं, तुम्हारी औलाद के हुकूक ये हैं, तुम्हारी बीवी के हक ये हैं, खामन के हक ये हैं, भाइयों के हक ये हैं, बहनों के हक ये हैं, रिश्तेदारों के हुकूक ये हैं, गाहक का हक ये है, मजदूर का हक ये है, उस्ताद का हक ये है, अपनों के हक, बेगानों के हक, मेहमानों के हक, दोस्तों के हक, दुश्मनों के हक,
हर एक के हक मुकर्रर किए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर समझाया कि हर एक के हुकूक का एहतराम करो, हर एक का हक अदा करो, फिर तुम आला अखलाक वाले बनोगे। सिर्फ हंस के मिलना क्या हाल है जनाब, और ठंडा पियोगे गर्म पियोगे, सिर्फ यही अखलाक नहीं। ठीक है मुस्कुरा के मिलना भी एक नेकी है, सदके का अजर है, लेकिन पूरा अखलाक ये है कि हर हक वाले को उसका हक दिया जाए। गाह के साथ फ्रॉडबाजी करके मुंह पे मुस्कुराहट ले आना कोई अच्छा अखलाक नहीं, तो दुल्हन है। बहनों के हक मार के, भाइयों की जमीनों पर कब्जे करके, लोगों के प्लाट छीन के, मिलावटें जालसाजियाँ धोखेबाजियाँ करके, मंडी में बैठा, कारोबार में बैठा चौधरी फ्रॉडबाज धोखेबाज दगाबाज सूद खाने वाला, लोगों के खून पसीने को खाने वाला, ये को अखलाक याफ्ता है? ये तो जालिम है। हमारे नबी ने अखलाक मुतय्यन किए, हक मुकर्रर किए, इन हक वालों के हक अदा करो, फिर तुम आला अखलाक वाले बनोगे। ये तीन चीज़ें, अकीदा ठीक हो जाए, अमल दुरुस्त हो जाए, अखलाक सीधे हो जाए, तो फिर बंदा पाक साफ होता है, पाकीदा होता है। मायूज़क्कीहिम, और नबी का दूसरा काम लोगों को पाकीदा बनाना है, पाक साफ करना है, इनके अकीदे ठीक करके, इनके अमाल दुरुस्त करके, इनके अखलाक ठीक करके। हम अलहदगी में बैठ के सोचें क्या हमने अपने नबी से अपने अकीदे पढ़े, क्या हमने अपने नबी से अमाल सीखे, क्या हमने अपने नबी से अखलाक सीखे, क्या कदर की मैंने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज दुनिया ईसाई दुनिया के चूड़े हुकूक मुकर्रर करते फिरते हैं, ह्यूमन राइट्स के नाम पर अक्वामे मुत्तहदा में बैठे हुए गंदे लोग हुकूक मुकर्रर करते हैं, इंसानी हुकूक, औरतों के हुकूक, मर्दों के हुकूक। ये ट्रांसजेंडर बिल सुने, कहता मर्द का हक है, वो कहे जी मैं औरत बनना चाहता हूँ तो औरत बन जाए, दुनिया को पागल समझा हुआ इन्होंने। कोई बंदा दाढ़ी मंडवा के, मूछे मंडवा के, लंबे बाल रख के आए कि मैं औरत हूँ, मेरा नाम नसीमा बीबी है, आप मान लोगे? औरत कहे मैं मर्द बनना चाहती हूँ, नादरा दफ्तर में जाए, जाके कहे मुझे मर्द का सर्टिफिकेट दो, कानून बन गया उसका हक है, उसको मर्द का सर्टिफिकेट दे दो। लड़की को बदमाश बना दिया, तेरा हक क्या, तू भी बाहर निकल, मर्जी की जिंदगी गुजार, तू घर में क्यों बैठी है? उसको निस्वानी इंसानी हकूक की बुनियाद पर बाहर निकाल दिया, यारी दोस्ती के चक्कर में लगा दिया। औरतों के हकूक बयान करते फिरते हैं, माँ बाप को बदनाम कर दिया, भाइयों को बेगैरत बना दिया, खामन को दरीद कर दिया, मुआशरों को बर्बाद कर दिया, ये हकूक है? हकूक वो हैं जो हमारे नबी ने बताए, जो हमारे रब ने नाजिल किए हैं, हमने हकूक अपने नबी से सीखने हैं, अपने नबी से। ये है फरमाबरदारी, मोहब्बत। पहला काम क्या किया, यतलू अलैहिम आयात, कुरान पढ़ पढ़ के गुमराही से निकाला। दूसरा काम किया, जो जकी है लोगों को पाकीदा बनाया, सफाई की, लोगों की अकीदे ठीक किए, अमाल दुरुस्त किए, अखलाक संवार दिए। तीसरा काम, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, युअल्लिमुहुमुल किताब, हमारे नबी ने कुरान पढ़ाया, कुरान की तालीम दी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ तीन तीन आयतें करके हमें पढ़ाते थे, तीन तीन आयतें हर रोज़ मस्जिद नबवी में आप कुरान की क्लास लगाते थे, 80 से लेकर 100 तक तालिबे इल्म हर वक्त मस्जिद में रहते थे और आपसे कुरान सीखते थे। तीसरा काम मेरे नबी का, सीरत का कैसा रास्ता हमारा रब हमें समझा रहा है। मुसलमानों, इंसानों, अगर नबी के हवाले से सोच रहे तो ये मन आ जाए, इन खतूत पर सोचो, नबी कुरान पढ़ा के गए तीन तीन आयतें करके, तू बैठ, तूने अपने नबी का दिया हुआ कुरान कितना पढ़ा है? हमारी मस्जिदों में कुरान क्लास कोई नहीं होती, मार पढ़ो ताला लगाओ बंद, मस्जिदों में तर्जमा कराइए, जो कालीन है ना, कालीन एसी वगैरह, ये हमारे अपनी सहूलत के काम है, ये मस्जिद का एहतराम वकार नहीं,
मस्जिदों का वकार, यहां कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, दीन सीखना है। हक ये है कि मस्जिदों में कुरान की क्लास हो, सारे मोहल्लेदार मस्जिद की इंतजामिया तालिबे इल्म बन के इमाम साहब के पास बैठे, कुरान की एक एक दो दो आयतें करके हर रोज पढ़ें, बीवियों को लाएं, बेटियों को लाएं, पर्दे में बैठाएं, दरमियान में स्पीकर लगाएं, इस पर खर्च करें। मस्जिदों में हमारे नबी ने कुरान पढ़ाया, तुम भी पढ़ो, हमारे नबी की सीरत है, हमने अपने नबी से मोहब्बत की है। और चौथा काम वल हिक्मा, हमारे नबी ने अपनी हदीस पढ़ाई है, अपनी सुन्नत पढ़ाई है। याद रखो मोहतरम भाइयों, जब हमारे नबी को अल्लाह ने भेजा था ना दुनिया में इमाम कायद रहनुमा बनाकर, तो सारे कल्चर, तहजीबें, रस्म व रिवाज, बरादरियों के रिवाज, कौमों के रिवाज, इलाकों के रिवाज सब अल्लाह ने मनसूख कर दिए थे। हमने भी रिवाज बना लिया, हमारी शेख बरादरी के ये रिवाज हैं, हम राजपूत होते हैं, ये हमारा रिवाज ये है, जाटों के रिवाज ये हैं, हराइयों के रिवाज ये हैं, कौमों के रिवाज, बरादरियों के रिवाज, ये बलोचिस्तान का कल्चर है, ये सिंधी तहजीब है, ये फलां मुल्क का रिवाज है, फलां मुल्क का। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ने सारी दुनिया के रस्म रिवाजों को, कबीलों, ख़ानदानों, बरादरियों के रस्म रिवाजों को मनसूख करके ये फैसला किया कि सारी दुनिया आज के बाद मेरे पैगंबर की सुन्नत पर चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए नबी ने अपनी सुन्नत पढ़ाई, हदीस पढ़ाई, बल हिक्मा। कोई बरादरी का रिवाज नहीं, कोई कबीले का रिवाज नहीं, कोई इलाके की रस्में नहीं। हम मुसलमान हैं, हम वो करेंगे जो हमारे नबी ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है मोहब्बत, बल हिक्मा। नबी हदीस पढ़ाते रहे, मैंने कितनी हदीस पढ़ी है। हम सोचें आलादगी में बैठ के, रबीउल अव्वल ये सोच का महीना है। हमारे लोग कुरान तो फिर भी पढ़ लेते हैं, चलो रमज़ान में ही पढ़ लेते हैं, तत्मे के बगैर ही पढ़ते हैं, कुरान तो फिर भी पढ़ते हैं, हदीस तो पढ़ता ही कोई नहीं। हालांकि हदीस की किताबें तर्जमे वाली, उर्दू तर्जमे वाली बाजार में मिल जाती हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, हदीस की किताबें हैं, हमारे पैगंबर की मुबारक ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, खरीद के घर में रखो, पढ़ो एक एक हदीस, दो दो हदीसें करके हर रोज पढ़ो। पढ़ते ही नहीं। अल्लाह कमर हाकिमीन ने पूरा रोड मैप दिया है, मेरे नबी को समझना हो, मेरे नबी पर ईमान लाना हो, मेरे नबी से मोहब्बत करना हो, तो ये है तरीका। मेरा नबी तुम गुमराही से निकालने के लिए आया है, तुम अज़म करो कि हमने भी गुमराही से निकलकर हिदायत की तरफ आना है। जिसका तरीका कुरान पढ़ के अपने आप को गुमराही से निकालो, अकीदे नबी से सीखो, आमाल नबी से पढ़ो, अखलाक नबी से सीखो, कुरान नबी का दिया हुआ पढ़ो और अपने नबी की सुन्नत और हदीस पढ़ो, ये है तरीका नबी को कबूल करने का, नबी पर ईमान लाने का, नबी से मोहब्बत का, नबी से प्यार का। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अहब्बा सुन्नती फ़कत अहब्बानी, लोगों जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ मोहब्बत करेगा। ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जेतो बिही। अल्लाह के नबी ने साफ फैसला फरमा दिया, जब तक आदमी अपनी मर्जी, अपनी पसंद नापसंद छोड़कर अपनी सारी ख्वाहिशात को मेरे हुक्म के मुताबिक ना ढाल ले, तब तक वो मेरे ऊपर ईमान का दावा उसका सच्चा नहीं हो सकता। मन रागेबा सुन्नती फलैसा मिन्नी, फरमाया जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो मोहतरम भाइयों, आओ अपने नबी से प्यार करना सीखें, फरमा बरदारी करके, इताअत करके। हमने तो अपनी अभी इस्लाह नहीं की, अल्लाह से तौबा करें, अपने आप को ठीक करें। हमने तो इंशाल्लाह दुनिया से अपने नबी को मनवाना है। दुनिया के ईसाई कहते हैं हमारे दुनिया पर हुक्मरानी हो, हमारे चूड़े दुनिया के रोल मॉडल हों, हिंदू कहते हैं हमारी दुनिया पर हुक्मरानी हो, हमारे प्रोफेसर वो दुनिया उनको इज्जत दे, यहूदी कहते हैं हमारे बड़ों को दुनिया एहतराम दे,
इन सारे गैर मुस्लिमों काफरों को हमने दुनिया के तख्ते से नीचे फेंकना है। हमने दुनिया को ये सबक पढ़ाने के पूरी दुनिया में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बरतर मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पीछे चलो। हमने तो दुनिया से आपको मनवाना था, हम खुद ही पीछे गिरे हुए हैं। भाइयों आओ अपनी इसलाह करें। ये जज्बाती नारे और जज्बाती बातें, हम मिलाद मनाते हैं, ये नहीं मनाते, ये हम इस तरह हैं, ये गुस्ताख हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये बातें छोड़कर ना हकीकत की दुनिया में ज़रा देखें कि मैंने अपने नबी से क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या हिदायत ली है, कुरान लिया है, हदीस ली है, अकीदे लिए हैं, अमाल लिए हैं। इस हवाले से सोचेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमें समझ आएगी कि हमने तो अपने नबी से कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ खाली नाम ही देते। धोखेबाज हैं हम, धोखेबाज। कलमा नबी का पढ़ते हैं लेकिन बात अपने नबी की मानते नहीं, सुनते भी नहीं। हिजाब थे हमारी औरों जैसी, लिबास हमारे औरों जैसे, शादी गमी औरों जैसी, कारोबार औरों जैसे, हकूक हम माँ बाप के देने के लिए तैयार नहीं, कारोबार हमारे जालसाजियों धोखेबाजियों वाले। हमने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी अजीम करीम शख्सियत को अपनी बादअमली और नाफरमानी से कोई इज्जत तो नहीं ना दी। तौबा करें, अल्लाह से डर जाएं, सच्ची तौबा करें, सच्चे फरमाबरदार बने, सच्ची मोहब्बत करने वाले बने, तो क्या ख्याल है इंशाल्लाह सोचेंगे। किसी से इधर उधर जाने घर में बैठकर सोचो, अपने आप पर गौर करो, मैंने इतने साल ज़िंदगी गुजारी, मैंने किया क्या है, लिया क्या अपने नबी से। कुरान हमारे पास है जो हमारा नबी देकर गया, क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह। हदीस हमारे पास है जो हमारे नबी दे कर गए, क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। खरीदो कुरान मजीद तर्जमे वाले, पढ़ना शुरू कर दो। खरीदो हदीसें किताबें तर्जमे वाली, पढ़ना शुरू कर दो। ये वो हिदायत है जो अल्लाह ने आसमान से उतारी। हमारे नबी पढ़ाते रहे, समझाते रहे, दावत देते रहे, मारे खा खा के, तकलीफें बर्दाश्त कर कर के ये चीज़ें हमें दे कर गए हैं। ये वो हिदायत है, ये वो ईमान का नूर है। जब इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सारी गुमराहियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह अपने आप को तैयार करो, हमने अपनी इसलाह करके दुनिया से मनवाना है इंशाअल्लाह, दुनिया से जिहाद के साथ, दावत के साथ। जो अच्छे तरीके से समझ जाए उनको दलाइल से समझाएंगे, जो सरकशी और बगावत पर उतर आते हैं हमारे नबी की तौहीन करते हैं उनको तलवार से समझाएँगे इंशाअल्लाह। ये दावत जिहाद का मनहज हमारे नबी का मनहज है। हमने इंसानों को, अल्लाह ने हमारे नबी को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाया। 6 अरब इंसान है दुनिया में, 6 अरब पुरानी मर्दमशुमारी के लिहाज से। इनमें 4.5 अरब इंसान काफिर हैं, 4.5 अरब इंसान। हमने इंशाअल्लाह इन सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में फेंकना है इंशाअल्लाह। चौधरियों चंद टकों पर फख्र करके दीन से अपने आप को दूर किए बैठे हो, अकल करो। कारोबारियों अपने आप को समझाओ, सोचो मैं जो कुछ भी हूँ अल्लाह के फजल करम से हूँ, अल्लाह ने मेरे ऊपर इतना बड़ा फजल किया है, मैं अपने रब के लिए क्या कर रहा। अपनी इसरा करके अपनी बीवियों को समझाओ, अपने बेटों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। कुरान का तर्जमा पढ़ाओ इनको, हदीसें पढ़ाओ इनको, सुना करो हर रोज इनसे। बूढ़े माँ बाप अपने पढ़े लिखे बेटों से कहें, बेटो लाओ सही बुखारी बाजार से खरीद के हमें हर रोज 3-3-4 हदीसें पढ़ के सुनाओ, ताकि हमें समझ आए हमारे नबी ने क्या फरमाया। कुरान की 2-4 आयतें पढ़ के हमें समझाओ, कोई मुश्किल नहीं। आदत बनाओ अपनी, घर घर में कुरान पढ़ा जाए, मस्जिदों में कुरान पढ़ा जाए, हदीसें पढ़ी जाए। पढ़े लिखे लोग, बेटे बेटियाँ, ठीक है दुनियादारी के लिए स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, ये हमारी दुनिया की ज़रूरत है, लेकिन अपने नबी से मोहब्बत की बुनियाद पर, अपने रब से मोहब्बत की बुनियाद पर कुरान हदीस भी तो पढ़े। यही हमारी दावत है और इसी अंदाज से हमने इंशाअल्लाह अपने भाइयों को लेके चलना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ईसाई नहीं चाहते कि मुसलमान नबी के पीछे चले, यहूदी नहीं चाहते कि मुसलमान नबी की फरमाबरदारी करो, तो हमारे नौकर बन के रहो, लेकिन हमने इंशाअल्लाह उनको दिखाना है कि हम तुम्हारे नौकर नहीं, हम अपने नबी के फरमाबरदार। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़तें अता फरमाए, जिहाद और मुजाहिदीन की मदद फरमाए,
کشمیر فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، جو سیلاب سے ہمارے بھائی پریشان ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، پوری دنیا کے کافر پاکستان کے دشمن ہیں، یہ اسلام کا مرکز ہے، یہ جہاد کا مرکز ہے، اللہ اس پاکستان کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جوانیوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اسلام کو دنیا میں عزت دینے والے بنیں اور کفر کو دنیا میں ذلیل کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دوست احباب، کھانا کھا کے جائیں۔